हे वेलकम बैक आई एम ओ धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे आज मैं आपको ना वो कैब का वीडियो दे रहा हूँ वो कैब का सिर्फ वो कैब का नहीं इसमें अंग्रेजी बोलने के लिए स्पोकन करने के लिए सही समय पर सही शब्दों का यूज करना आपको आ जाए क्योंकि सही समय पर क्या होता है ना कि वर्ड आ नहीं पाता अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो सही वक्त पर वो वर्ड आ नहीं पाता इसलिए हर्डल होता है ऑब्स्टिकल होता है माउथ चोक कर जाता है गला चोक कर जाता है माउथ सट हो जाता है हम सही समय पर आवाज़ नहीं निकाल पाते तो मैं आपको एक आर्ट दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को आसानी से बोल पाएंगे अब यहाँ देखिए मंगेतर वर्ड है मंगेतर सबको पता होगा आपको ही पता होगा अब यहाँ मंगेतर का दो अंग्रेजी हम लिखा फियांस और फियांसी फियांस और फियांसी अब देखो दोनों का हिंदी मंगेतर है फियांस मतलब ही और फियांसी मतलब ही तो फियांस का प्रयोग करते हैं मेल के लिए यानी आप पुरुष हो ना तो आपके लिए फियांस का प्रयोग होगा महिला हो तो फियांसी का प्रयोग होगा यह मेरी फियांसी है यह मेरा फियांस है अगर कोई लड़की बोलेगी तो मेरा फियांस बोलेगा लड़का बोलेगा तो मेरी फियांसी है तो फियांस मेल के लिए फियांसी फीमेल के लिए याद हो रहा है तो ये मंगेतर का अंग्रेजी वर्ड हो गया तो इस तरह से आप याद करोगे ना तो अंग्रेजी बोलने में सही वक्त पर सही शब्दों का यूज़ कर पाओगे नहीं तो गलत तो बोलते ही रहोगे हर लोग मैं बोलते सुनाऊँ बहुत लोगों को ये मेरी फियांसी है फियांसी है तो ये गड़बड़ हो जाता है ना तो ये गलत नहीं बोलना है सही बोलना है अगला वर्ड है कपड़ा अब देखो कपड़ा वर्ड है अब कपड़ा के पचास नहीं अब कपड़ा का क्लोथ थान का कपड़ा अब थान समझते हो जैसे बहुत सारे कपड़े रोल में होते हैं ना दुकानदार के जो कपड़े होते हैं वो थान होते हैं तो उसको हम लोग क्लॉथ बोलते हैं तो क्लॉथ का मतलब थान का कपड़ा अब क्लॉथ से तो कटिंग किया हुआ कपड़ा अब कटिंग किया हुआ कपड़ा है तो उसे क्लॉथ कहेंगे क्लॉथ से कटिंग कर दिया यानी दुकानदार ने क्या किया कटिंग कर दिया इसको बोलते हैं क्लॉथ्स अब क्लॉथेज सिलवे कपड़े यानी रेडीमेड कपड़े देखते हो ना तो रेडीमेड दुकानदार कपड़े उसको क्लोथेज बोलते हैं बहुत सारे कपड़े होते हैं उसको क्लोथेज बोलते हैं सिलवे कपड़े या आप सिलवाते हो कपड़े या सिलवे मिल जाते हैं क्लॉथ में ही लगा दिया तो क्या कपड़े पहनना यानी कपड़े पहनते हो आप उसको भी क्लॉथ कहते हैं तो क्लॉथ में कपड़े पहनना ये पहनना हो गया तो ये भर बन गया क्या बन गया भर बन गया बाकी सब क्या हो जाएंगे बाकी सब नॉन कपड़े हो जाएगा तो ये क्लॉथ थान कपड़ा क्लॉथ कटिंग क्या कपड़ा क्लॉथेज सिल हुए कपड़े और क्लॉथ कपड़े पहनना अगला बार देखो आवाज़ आवाज को वॉइस बोलते हैं वॉइस बोलते हैं साउंड भी बोलते हैं आवाज़ को वॉइस बोलते हैं, हैं साउंड भी बोलते हैं जब तुम बोलोगे ना तुम्हारा तो वॉइस बहुत तेज है यानी मनुष्य की आवाज़ पर्सन की आवाज़ व्यक्ति की आवाज़ को हम वॉइस बोलते हैं और कोई भी चीज़ साउंड एक कलम गिर गया साउंड मशीन की आवाज़ गाड़ी की आवाज़ उसकी आवाज़ यानी किसी चीज़ की आवाज़ हो जाए उसे हम साउंड कहते हैं तो व्यक्ति की आवाज़ को वॉइस कहते हैं और साउंड मशीन की आवाज को बोलते हैं खरगोश खरगोश आप वो प्रयोग करते रहते हो खरगोश को रैबिट बोलते हैं हेयर बोलते हैं रैबिट का मतलब ही खरगोश और हेयर का मतलब ही खरगोश तो रैबिट घर में खरगोश है कहीं पालतू खरगोश है आसपास दिख रहा है उस खरगोश को हम रैबिट तो बोलते हैं तो रैबिट बोलते हैं आसपास घरेलू कहीं भी खरगोश होगा उसको हम रैबिट बोलेंगे और हेयर बोलेंगे जंगली खरगोश को खरहा बोलते हैं तो जंगली खरगोश है खरहा है जंगली है उसे हम लोग हेयर बोलते हैं तो इस तरह से आपको याद करना है ये बोल चाल बहुत प्रयोग किए जाते हैं इसके साथ और भी बनाता हूँ अगला कॉन्सेप्ट अगले देखते हैं अब अगला क्या है बड़ा अब बड़ा का अंग्रेजी कितना बोल सकते हैं जैसे बड़ा है अपने परिवार में बड़ा हो कोई भी बड़ा हो ऑफिस में बड़ा हो तो आपको देखना यह है कि बड़ा यानी बड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जैसे एल्डर है ओल्डर है सीनियर है अब एल्डर ओल्डर सीनियर क्या है भाई तो अगर मान लेते हैं कि आपका भाई बड़ा है आपके परिवार में चचेरा भाई बड़ा है कोई बड़ा है तो ही इज माई एल्डर ब्रदर तो एल्डर का मतलब हो गया बड़ा तो चाहे परिवार में जो बड़ा भाई हो जाए बड़ी बहन हो जाए उसे हम एल्डर का प्रयोग करते हैं शी इज माई एल्डर सिस्टर ही इज ओल्डर ब्रदर You are my elder brother. तो एल्डर का मतलब बड़ा तो जो बड़ा हो जाए उसे हम एल्डर का प्रयोग करते हैं अगला बड़े ओल्डर अब ओल्डर क्या भाई तो ओल्डर का मतलब हो गया ये भी बड़ा है इसका मतलब कोई भी बड़ा अब कोई भी बड़ा है ना तो ओल्डर का प्रयोग करेंगे जैसे राधा इज ओल्डर देन श्यामा तो राधा श्यामा से बड़ी है तो ओल्डर मतलब कोई भी रिश्ते में नाते में या दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट या बिल्डिंग उस बिल्डिंग से बड़ा है तो ओल्डर का मतलब हो गया बड़ा चाहे बिल्डिंग बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे कोई भी चीज़ बड़ा हो ओल्डर का प्रयोग करेंगे बस ध्यान देना है अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए ओल्डर नहीं आएगा अपने परिवार के लिए एल्डर आएगा और दूसरे के लिए एल्डर नहीं आएगा ओल्डर आएगा अब ऑफिस में बड़ा है तो यू आर सीनियर टू मी सीनियर का प्रयोग करेंगे सीनियर के साथ दैन नहीं लगाते ओल्डर के साथ दैन लगाते हैं लेकिन सीनियर के साथ टू लगाते हैं ही सीनियर टू यू आर सीनियर टू मी सीनियर दैन में गलत हो जाएगा तो सीनियर टू का मतलब हो गया ऑफिस में बड़ा होना कोई कंपनी में बड़ा होना स्टाफ में बड़ा होना कोई में बड़ा होना वैल्यू में ज़्यादा बड़ा होना उसको हम सीनियर बोलेंगे क्लियर हो गया आगेते हैं दुर्घटना दुर्घटना का जी एक्सीडेंट एमिस है पर अब यहां ध्यान दो दुर्घटना कोई वाहन से हो गया कार का मोटरसाइकिल का दुर्घटना हो गया तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया यानी एक्सीडेंट का मतलब हो गया दुर्घटना हो गया कोई चीज घटित हो गया अचानक से हो गया अनजाने में हो गया उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं मिसहैपनिंग यानी मिसहैप यानी मिसैप का मनुक होता है ट्रेन संबंधी अब ट्रेन संबंधी क्या होता है ट्रेन जा रही है दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो है तो एक्सीडेंट ही लेकिन मिसहैप बोलते हैं तो मिसैप का मतलब हो गया ट्रेन संबंधी दुर्घटना को मिसैप बोलते हैं अगला वर्ड बता रेकेस इन रेक वर्ड है तो रेक का मतलब पानी के जहाज डूब गया रेक हो गया पानी के जहाज दुर्घटना हो गया है तो एक्सीडेंट ही लेकिन वो रेक कहलाता है ये हो गया पानी के जहाज संबंधी दुर्घटना को, को, उंगली। उंगली तो तो को फिंगर्स बोलते हैं हैं और पैर की उंगली को टोज बोलते, बोलते हैं तो टो तो, पैर की उंगली अब मान लो हाथ का अंगूठा है तो थम बोलेंगे और पैर की अंगूठा है तो बिग टो बोलेंगे क्या बोलेंगे बिग टो तो हाथ की उंगली फिंगर्स पैर की उंगली टोस पैर की उंगलियां टोस हाथ की उंगलियां फिंगर्स हाथ का अंगूठा थम पैर का अंगूठा बिग टो क्लियर हो गया अगला वर्ड देखो यहाँ पे उंगली लिखा हुआ है फिंगर्स हाथों की उंगली टोस पैरों की उंगली फिंगर्स यानी थम बोलेंगे हाथ का अंगूठा बिग टो बोलेंगे पैर का अंगूठा क्लियर वार्म वार्म डे हॉट डे अब वार्म डे तो वार्म का मतलब गर्म तो होता है लेकिन जिसको आप झेल सकते हो जिस आरामदायक होता है जैसे जाड़े का मौसम में जो हॉट होता है जो वार्म उसको हम लोग हॉट नहीं वार्म क्योंकि जाड़े के मौसम में जनवरी में फेबररी में आप धूप में रह सकते हो तो वो क्या होता है वार्म होता है वो आपके लिए प्लीजेंट होता है तो प्लीजेंट को हम लोग वार्म बोलते हैं यानी प्लीजेंट हॉट को हम लोग वार्म बोलते हैं और जो पेनफुल होता है उसे हम हॉट बोलते हैं जहाँ दुख हो जहाँ पे कष्ट हो उसे हम हॉट बोलते हैं तो वार्म आनंददायक गर्मी और हॉट पेनफुल गर्मी तो वार्मडे जाड़े के दिन का गर्मी हॉट डे गर्मी के दिन का गर्मी उसको हम हॉट डे बोलते हैं इसके साथ और देखते हैं भी आपको सिखा के छोडूंगा नहीं सिखा के छोडूंगा अब दिल्ली दूर भी नहीं है आप चाहो तो दिल्ली आ करके मेरे से फेस टू फेस कर सकते हो अगला कांसेप्ट देखते हैं आगे क्या अब ऐसे नहीं छोडूंगा आपको अंग्रेजी बुलवा करके ही छोडूंगा मैं यानी कि आप बैठो बैठो मत कॉपी कलम निकालो ना फटा फटाफट कॉपी कलम निकाल के लिख भी लो ये बड़ा आसान चीज है जब हम नोट्स बनाते हैं ना लिख लेते हैं ना तो परमानेंट याद हो जाता है तो आप लिख लो कॉपी कलम बना लो ताकि आजीवन याद भी हो जाए और इसको स्क्रीन शॉट ले लो फोटो खींच लो और पढ़ाई पर ध्यान तो सब हो जाएगा हमने कहा तोड़ना क्या तोड़ना सर तोड़ना जैसे आप प्लग किया कोमल चीज को तोड़ना प्लक द फ्लावर्स फ्लावर क्या सॉफ्ट चीज है किसी भी मुलायम चीज को तोड़ोगे ना तो प्लक का प्रयोग करना और ब्रेक है तोड़ना डोंट ब्रेक माई हार्ट दिल तोड़ना बड़ा चीज तोड़ना ब्रेक द पेन ब्रेक द चेयर यानी किसी ब्रेक चीज को तोड़ दिया ब्रेक डाउन कर दिया खराब हो गया तो ब्रेक का मतलब तोड़ देना खराब हो जाना ब्लक मतलब कोमल चीज को तोड़ना और ब्रेक मतलब बड़ी चीज़ को तोड़ना क्लियर हो गया नफरत नफरत क्या है? हेट किस हेट करते हो आई हेट हिम आई हेट हिम बट आई लव यू नॉट हेट हिम तो आई हेट हिम तो हेट मत नफरत करना सामान्य अवस्था में कोई चीज़ अंदर से एक इमोशंस का जो नफरत होता है उसे हम कहते हैं हेट करना किस चीज़ को हेट कर रहे हो डिटेस्ट बहुत ज़्यादा नफरत मतलब घृणा टाइप से यानी कि डिटेस्ट जो करते हो ना किस चीज़ नापसंद है बिल्कुल हेट हेट कर डिटेस्ट कहलाता है हेट का ही बड़ा रूप है डिटेस्ट तो डिटेस्ट का मतलब होता घृणा करना ना पसंद करना मुझे पसंद नहीं है वो चीज डिटेस्ट कहलाता है लव्स लेवर्स लास्ट ये दोनों में पोस्ट लगा है एल लव अपस्ट ऑफिस एल बी ओ यू आर अपस्ट लास्ट तो लव्स लेवर्स लास्ट जबरदस्त घृणा करना लव्स लेवर्स लास्ट जबरदस्त नफरत करना घनघोर घृणा होना लव्स लेवर्स लास्ट अगला है सामान सामान का जो होता है गुड्स गुड्स का मतलब होता है बच्चे घरेलू सामान जो घर में सामान पड़े होते हैं ना उसे हम गुड्स कहते हैं घरेलू सामान को गुड्स कहते हैं लगेज कहते हैं जैसे आप पैक कर लिए अब ट्रेन पकड़ना यार लगेज ज्यादा हो गया तो लगेज का मतलब ट्रेन संबंधी सामान को लगेज बोलते हैं है ना और कार्गो जहाज जा रहे हो पानी के जहाज़ पे जा रहे हो और किस जहाज पे जा रहे हो तो उसे कार्गो बोलते हैं तो जहाज संबंधी सामान को कार्गो बोलते हैं हालांकि वर्ड डेली यूजेज में आते हैं ये आपको पता होगा पहले से भी इसको आसानी से आप याद कर सकते हो इसके साथ आप क्या करो कि आप मुझे बताओ लाइक करके कि भाई ये वीडियो पसंद है कि नहीं पसंद है इतना और वीडियो बनाओ कि ना बनाओ वो कैपे इसके साथ साथ आप अपने मित्रों को भी शेयर करो ना मुझे पता चलना चाहिए कितने व्यूज आ रहे हैं ये व्यूज लाखों नहीं करोड़ों में होना चाहिए आप इस बढ़िया शेयर करो एक बच्चा हजार शेयर करेगा अपने आप काम चल जाएगा इसके साथ साथ आप चाहते हो कि डीएसएल आगे बढ़े ये आपका संस्थान है मेरा नहीं डीएसएल आपका है आप चाहते हो कि आपके धर्मेंद्र सर आपका डीएसएल एक क्लाइमेक्स पर जाए तो इस वीडियो को शेयर करिए डीएसएल के सारे वीडियो को शेयर करके आप सब देखिए और पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की तरह काम करिए मैं आपके लिए काम करता हूं क्रांति फैलाना आपका काम है आप एक साथ काम करिए आप चाहते हो दिल्ली आना दिल्ली अब दूर नहीं है मेरे दोस्त आ जाओ मेरे साथ आ जाओ मैं तुम्हें फेस टू फेस पढ़ाता हूँ दिल्ली आकर पढ़ लो, चाहते हो घर बैठ के पढ़ो तो आप डी एस एल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप डाउनलोड करके डिटेल क्लास कर सकते हो ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद